हेलो दोस्तों, अभी तक हमने इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन इन कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई स्कूल है या कॉलेज है या कोई मॉल है बड़ा सा, ठीक है, या कोई बड़ा सा दुकान कह सकते हैं, ठीक, या कोई कंज्यूमर है कह लीजिए बड़ा सा, तो वो सब भी हालांकि 3-phase 4-wire सिस्टम ही यूज करता है, लेकिन वह सब कॉमर्शियल के अंतर्गत आता है। रीज़न ये रहता है कि वह सब हैवी लोड को कंज्यूम करता है, समझे बात को, अधिक लोड को कंज्यूम करता है, अधिक लोड रहता है उन लोगों के पास में, इसलिए उसे हम लोग कमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है? रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत कम लोड रहता है, लेकिन जब अधिक लोड होता है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई और जो इंडस्ट्री वगैरह हो गया, ये सब भी हमारा क्या होगा, कमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत ही आएगा। समझे, हॉस्पिटल हो गया, वहाँ सब भी लोड की अधिक आवश्यकता है, तो वहाँ उसको हम किसके अंतर्गत लेंगे, कमर्शियल इंस्टॉलेशन का। होटल हो गया, जो होटल रहता है, रेस्टोरेंट वगैरह होगा, अधिक लोड, जो बड़ा रेस्टोरेंट है, छोटे से रेस्टोरेंट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हालांकि वह भी कमर्शियल में ही आएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली वो यूज़ कर लेता है रेसिडेंशियल पर्पज़ से, लेकिन बाकायदे रूल से अगर किया जाए तो रेस्टोरेंट वगैरह भी कमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आएगा। देखो, कमर्शियल इंस्टॉलेशन में जो लोड कंजम्पशन होता है ना, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, तो उसका रेट अधिक होता है, लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल का देखोगे तो रेसिडेंशियल का रेट जो होता है, जब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अभी आप यूनिट, जितना यूनिट यूज़ करते हो उस हिसाब से आप पे करते हो, चाहे 6 रुपये यूनिट पे करते होगे या 8 रुपये पे करते हो, लेकिन इस केस में अगर आप बात करोगे कमर्शियल इंस्टॉलेशन की, तो कमर्शियल इंस्टॉलेशन में जो यूनिट कंजम्पशन होता है ज़्यादा होता है, और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट, जैसे वो जो रेट होता है ना, टैरिफ जो बोलते हो, वह अलग होता है, अधिक होता है। ठीक, तो ये होता है। तो जनरली हम लोग वैसे इंस्टॉलेशन को क्या बोलेंगे, कमर्शियल इंस्टॉलेशन, जहाँ पे कि लोड कंजम्पशन अधिक होगा। फॉर एन एग्जांपल आप कह सकते हो होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बड़ा मॉल जिसको बोलते हो, ठीक है, जैसे PNM मॉल है ये पटना का, ये सब कमर्शियल, बिग बाज़ार हो गया, या और भी जो छोटे छोटे मॉल्स वगैरह हैं, इंडिविजुअल हो गया, तो वो सारे मॉल्स वगैरह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आएंगे। बात रही इलेक्ट्रिफिकेशन की, देखिए तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है, जैसा आप रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिफिकेशन में करते, मतलब रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन में आप इलेक्ट्रिफिकेशन किए हैं, सेम इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे भी यूज होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ जो बल्ब यूज़ करेंगे आप, तो यहाँ पे 3-phase में ही बल्ब यूज़ करेंगे और घर में सिंगल फेज में यूज़ करेंगे, या फैन में आप यूज़ करें, पंखा जो चलाते ही, अब रेसिडेंशियल में आप सिंगल फेज में यूज़ कर रहे हैं और कमर्शियल में 3-phase, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर जगह लाइटिंग के लिए जो लोड रहेगा सेम रहेगा, समझ में आ रही बात, लाइटिंग के लिए लोड क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वह रेसिडेंशियल में रहे या फिर कमर्शियल में रहे, समझे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे मोटर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं 3-phase का, और कोई लोड क्या हो सकता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, 3-phase टैपिंग करना है। तो ये आप क्लियरली कह सकते हो कि जनरली जो घर में यूज़ करते हो वहाँ पे सिंगल फेज यूज़ करते हो, 3-phase 4-wire सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कमर्शियल में यहाँ हो सकता है कि 3-phase 4-wire सिस्टम तो यूज होता है, ठीक, 3-phase 4-wire सिस्टम यूज किया जाता है, यहाँ पे 3-phase की आवश्यकता, अधिक लोड है तो अलग अलग फेज को लेंगे और एक न्यूट्रल को लेंगे, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड का। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, या मतलब कुछ ऐसे भी कह सकते हैं आप, जैसे इंडस्ट्री हो गया या फिर कोई पेट्रोल पंप वगैरह हो गया, वो सब अपना ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करवाता है। जैसे कोई मॉल हो गया, वह भी उसमें भी देखिएगा, उस मॉल, कोई एक मॉल है, बड़ा मॉल है या बिग बाज़ार वगैरह हो गया, तो वह अपने लिए एक इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करवाता है, ठीक है, अपने लिए एक अलग से इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करवाता है, तो वहाँ पे जो उसका इनपुट हो जाएगा 11,000 हो जाएगा, आउटपुट भले 415 रहेगा, लेकिन वो तो अपना ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है, तो उस हिसाब से उससे पेमेंट भी तो लेगा, जितना कंजम्पशन होगा उस हिसाब से, वो कंजम्पशन के हिसाब से वहाँ पे टैरिफ के हिसाब से जितना कंज्यूम करेगा उस हिसाब से उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, और टैरिफ लगाने के बाद उसको पे करना होगा। टैरिफ मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें अलग अलग रेट कह सकते हो, किस रेट से इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो वही हमारा टैरिफ हो गया, समझे, अलग अलग प्रकार के होते हैं।
क्लियर है। तो कमर्शियल के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे थ्री फेज फोर वायर सिस्टम ही यूज होता है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम ही यूज होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस कह सकते हो उसमें आपका थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम यूज होता है, क्लियर। लेकिन बात करें हम लोग वायरिंग का, तो वायरिंग चाहे रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, दोनों का वायरिंग सेम होगा। हाँ, मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोटर का वायरिंग अलग हो जाएगा, उसका हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में कि किस प्रकार से हम लोग वायरिंग करते हैं मोटर वगैरह का। लेकिन अगर लाइटिंग पर्पस के लिए जितना भी आप यूज़ करेंगे तो सेम होगा, चाहे आप रेसिडेंशियल में यूज़ कर लीजिए या चाहे आप कमर्शियल में यूज़ कर लीजिए, दोनों का क्या होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन सेम होगा। समझ में आई बात क्या। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी मीटर की बात करें, तो जैसे घर में आप क्या कर रहे थे, सिंगल फेज एनर्जी मीटर यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप थ्री फेज फोर वायर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री फेज एनर्जी मीटर यूज़ हो जाएगा, है ना, थ्री फेज एनर्जी मीटर यूज हो जाएगा। समझे बात को। तो ये कुछ डिफरेंस है आपका कॉमर्शियल में और कुछ कह सकते हो रेसिडेंशियल में। आइए देखते हैं उसको हम, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल इंस्ट्रक्शन। हाँ, ध्यान दीजिएगा सिलेबस में हो सकता है ये अलग यूनिट भी होगा, कुछ सिलेबस जैसे लेटेस्ट नया सिलेबस जो है उसमें ये फोर्थ यूनिट आपका है, हाँ फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में नहीं किया गया है कंसिडरेशन, ठीक है, फोर्थ यूनिट में है ही नहीं है। जनरली पांच यूनिट आपके सिलेबस में है, तो पांच यूनिट में ये नहीं आता है, कुछ बुक में दिया है, कुछ सिलेबस में दिया है, कुछ में नहीं दिया है, तो आप देख लीजिएगा, मैं इसको भी कर देता हूँ, कवर कर लेता हूँ, नहीं पढ़ना होगा अगर सिलेबस में नहीं होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ जानकारी हासिल हो जाएगी, और बाकी आप जब एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे तो इसको स्किप कर लीजिएगा, है ना। तो वही हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन। अब देखिए इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क में विच इज कैरिड आउट इन ए बिल्डिंग विच आर मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है, कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड कमर्शियल इंस्टॉलेशन। देखो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क अगर मान लो किसी भी बिल्डिंग में किया जाता है और वह बिल्डिंग जनरली कमर्शियल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समझ में आई बात, वैसे बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क किया जाता है वह बिल्डिंग जो कि कमर्शियल वर्क के लिए यूज़ में है, तो उस टाइप के बिल्डिंग को या उस टाइप के इंस्टॉलेशन को हम लोग कमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में भी कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो लॉज होता है, जो गेस्ट हाउस जिसको बोलते हो, मतलब पीजी वो पेइंग गेस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो वो जो लॉज होता है ना जिसमें कि आप रेंट वगैरह पे करके रहते हैं ना, वह लॉज भी जो है ना कमर्शियल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, वह लॉज भी क्या होता है कमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत ही आएगा। अरे पांच फ्लोर छह फ्लोर बना दिया है, बेड सिस्टम बना दिया है, उसमें अब लड़का लोग आ रहा है, रह रहा है ना, अलग अलग रूम में अलग अलग लड़के लोग रह रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, वो कमर्शियल के हिसाब से ही आता है, भले उसको मैनिपुलेट कर लेता है जो ऑनर रहता है, उसको मैनिपुलेट करके रेसिडेंशियल ही पे करता है, लेकिन वह बिल्डिंग भी कम्प्लीटली किसके अंतर्गत आएगा, कमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंस्टॉलेशन वर्क कैरिड आउट इन अ स्कूल, होटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल एट्सेट्रा, बिग कंज्यूमर जो होगा वो भी आ जाएगा, ठीक है, कम्स अंडर कमर्शियल इंस्टॉलेशन। तो ये सब जो है स्कूल हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, कॉलेज हो गए, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गया, या फिर सिनेमा हॉल हो गया, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर मॉल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, कमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत ही आएगा, क्लियर है। प्रोसीजर कैरिंग आउट इन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जैसा प्रोसीजर आप लोग फॉलो करते थे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, द सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी यूज होगा, क्लियर। मतलब जो कमर्शियल इंस्टॉलेशन में आप प्रोसीजर को इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, द सेम प्रोसीजर विल बी यूज इन कमर्शियल बिल्डिंग। जो कमर्शियल बिल्डिंग में यूज हुआ प्रोसीजर है वही प्रोसीजर यूज किया जाएगा कमर्शियल बिल्डिंग में, ठीक है, मतलब दोनों में प्रोसीजर सेम रहेगा इलेक्ट्रिफिकेशन का, चाहे वह रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, कहते हैं कि ओनली लोड कैपेसिटी ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग इज मच हायर देन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, जो लोड होता है आपका, लोड कैपेसिटी होता है वह कमर्शियल बिल्डिंग का अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई तीन रूम का एक फ्लैट है या दो रूम है एक हॉल है,
वह एक फ्लैट है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? रेसिडेंशियल के अंदर। अब वैसा ही करके आप एक बड़ा सा अपार्टमेंट बना लीजिए, ठीक है, उतना में ही आप अपार्टमेंट बना लीजिए, 40 महल का फ्लोर बना लीजिए आप, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा भैया? वह आ जाएगा कमर्शियल के अंतर्गत। समझ में आई बात? तो यही हो गया, लोड कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग इज मच हायर देन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सिंस द अमाउंट ऑफ लोड इज लार्ज, सो इट रिक्वायर्स 3-phase सप्लाई एंड इंटायर लाइटिंग एंड पावर लोड आर टू बी बैलेंस्ड ओवर 3-phase 4-wire सर्विस मेंस। देखो क्या कहने का मतलब हुआ, आप ये भी देखते होंगे कि जो अपार्टमेंट वगैरह होता है ना, अपार्टमेंट वगैरह जहाँ पे कि आप देखते होंगे कहीं कॉलोनी टाइप का जो रहता है, जिसमें कि बहुत एक मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, वो टावर बिल्डिंग बने होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं और उस बिल्डिंग में बहुत सारे महल रहते हैं, कह सकते हो 5 महला, 10 महला, 15-40 फ्लोर, 50 फ्लोर बना दिया जाता है ना। तो वो उसके लिए क्या किया जाता है कि अलग से ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाया जाता है। अलग से क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है। जब अलग से ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाइएगा तो अमाउंट भी तो लोड का कंजम्पशन इसका मतलब ज़्यादा है, तब ना हम ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करवा रहे हैं। अब मान लो कि मेरे घर में, घर ही है मेरा, अगर घर में 2 रूम एक हॉल है तो उसके लिए आप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाओगे क्या? नहीं है ना। तो जब हैवी लोड होगा तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जाता है। तो जब अधिक लोड है तो वह भी किसके अंतर्गत आएगा? कमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आएगा। तो जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे भी क्या होता है, कमर्शियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत ही आता है। देखो वहाँ पे चूंकि 3-phase की आवश्यकता होगी, रीज़न बताता हूँ आपको क्यों 3-phase की आवश्यकता होगी, इसको इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। देखिए आप ऐसा कह सकते हो कि हम लोग क्या किए हैं, 1, 2, 3 phase और ये 3-phase 4-wire सिस्टम, यही है ना 3-phase 4-wire सिस्टम, ठीक है। 3-phase 4-wire सिस्टम में एक ये तो 3 आपका फेज हुआ, ये एक न्यूट्रल हो गया, क्लियर। अब अधिक लोड है, मान लो 30 फ्लोर है आपका, तो 30 फ्लोर में आप क्या करोगे, एक 10 फ्लोर को इससे दोगे, 10 फ्लोर को इससे, 10 फ्लोर को इससे, अब बाकी न्यूट्रल सबके लिए रहेगा। समझ में आई बात? क्या मतलब, एक फेज एक न्यूट्रल 10 फ्लोर के लिए, फिर दूसरा फेज और एक न्यूट्रल दूसरे 10 फ्लोर के लिए, और फिर एक फेज एक न्यूट्रल तीसरे 10 फ्लोर के लिए, मतलब 30 फ्लोर ऐसा करके, मतलब लोड को हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। लोड को क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, समझे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो प्रॉपर कह सकते हो कि वोल्टेज घर में अवेलेबल होता है, तो वोल्टेज वगैरह का या फिर जो लोड अधिक हो जाने पे करंट अधिक ड्रॉ हो जाता है, तो होता है ना बल्ब वगैरह डिम हो जाता है, पंखा बहुत धीमे 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 घूम रहा है, तो ये सब परेशानी एटलीस्ट नहीं आती है अगर लोड बैलेंस रहता है तो। समझ में आई बात? तो अपार्टमेंट वगैरह में भी क्या किया जाता है, अलग से ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करवाया जाता है। हो गया, 3-phase सप्लाई इंटायर लाइटिंग एंड पावर लोड आर टू बी बैलेंस्ड ओवर 3-phase 4-wire सर्विस मेंस। सर्विस मेंस भी किस प्रकार का हो गया, 3-phase 4-wire। अब देखो घर में जो उस बिल्डिंग में जो घर होगा, एक फ्लैट होगा, उसमें 3-phase 4-wire नहीं रहेगा भैया, ठीक है। 3-phase 4-wire वही ट्रांसफार्मर के पास में लगा दिया रहेगा एनर्जी मीटर, टोटल कंजम्पशन कितना होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा हर एक फ्लैट के लिए, ठीक है। हालांकि अलग अलग फ्लैट में बना लगा रहेगा एनर्जी मीटर, कितना कंजम्पशन हुआ है वो कंजम्पशन के हिसाब से वो पे करेगा, लेकिन टोटल जब यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास में जो मीटर लगा रहेगा वहाँ पे टोटल अमाउंट मिल जाएगा कि कितना यूज हुआ है उस पूरे बिल्डिंग में। समझ में आई बात? वही होता है यहाँ पे, ठीक है। 3-phase type एनर्जी मीटर आर यूज, देखो ये स्पष्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग कैसा है 3-phase type एनर्जी मीटर यूज करेंगे, है ना। ट्रांसफार्मर के पास में ही हम लोग एक मीटर लगा देंगे जहाँ पे कि 3-phase type रहेगा, वहाँ से हम लोग मीटर रीडिंग करते रहेंगे, लेकिन घर में जो रहेगा, जो फ्लैट रहेगा, उसी अपार्टमेंट में जो फ्लैट रहेगा वहाँ पे सिंगल फेज ही यूज होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे 3-phase यूज कर रहा है ना। ये हो गया आपका। समटाइम्स द इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ ए कमर्शियल बिल्डिंग इज सो लार्ज दैट इट रिक्वायर्स ए सेपरेट सबस्टेशन। कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे समय में क्या होता है, या कुछ ऐसा भी कंज्यूमर है जिसको कि अधिक लोड की आवश्यकता है या उसका लोड कैपेसिटी अधिक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक सेपरेट सबस्टेशन को इंस्टॉल कर लिया जाता है, ठीक है। ये अक्सर आप देखेंगे कि कोई छोटा सा फैक्ट्री अगर बनाया हुआ है तो वहाँ पे वह एक अपना ट्रांसफार्मर लगाए रहेगा, कोई पेट्रोल पंप बनाए तो वह भी अपना एक ट्रांसफार्मर लगाया रहेगा, कोई बड़ा सा मॉल बनाया हुआ है, ठीक है, बड़ा मॉल है तो वह भी अपना एक ट्रांसफार्मर लगाया होगा, तो ये सबको क्या होगा, ट्रांसफार्मर लगाने के, तो उसका
इनपुट हमारा कितना हो जाएगा, 11 KV होगा, लेकिन आउटपुट 415 होगा, जैसे कि वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकता है, जिस हिसाब से चाहेगा वैसे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इन विच ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज इंस्टॉल, वैसा उसके लिए एक सेपरेट सब स्टेशन, मतलब पोल माउंटेड सब स्टेशन, ऐसा नहीं कि बड़ा सा सब स्टेशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और बड़ा सा सब स्टेशन जो होता है वो फैक्ट्री यूनिट में यूज़ किया जा सकता है, है ना, फैक्ट्री यूनिट में यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा उसको रिक्वायर्ड है, उस फैक्ट्री को कितना लोड किया हो सकता है, या कैसा मतलब कितना ज़्यादा लोड चाहिए, उस हिसाब से वो ट्रांसफार्मर खुद मतलब मंगाता है, खरीद के लाता है, और फिर विद परमिशन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उससे परमिशन लेके फिर अपना इंस्टॉल करवा लेता है, उस हिसाब से फिर अमाउंट भी वो पे करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इंस्टॉल करता है, अपना एक सब स्टेशन बनाता है, उस सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, एंड इनपुट टू दिस सब स्टेशन इज 11 KV 3-phase 3-wire। जो इनपुट रहता है उस सब स्टेशन का वह क्या रहता है, 11 KV रहता है। अच्छा 11 KV है, तो 11 KV में तो सिर्फ 3 phase रहेगा, RYB, तो 3 phase है, RYB 3 wire है, तो क्या बोलेंगे हम उसको, 3-phase 3-wire सिस्टम। जैसे कि अगर यह रहता है आपका, 3 ही है, मतलब 3 phase सिर्फ आप यूज़ किए हो, RYB, ये R है, Y है, B है, तो ये क्या हो गया, 3-phase 3-wire सिस्टम। समझ में आई बात, ये क्या हो गया, 3-phase 3-wire सिस्टम। अगर इसी में आप न्यूट्रल भी यूज़ कर लेते हो, ये हो गया न्यूट्रल, तो 3 phase तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 3-phase 4-wire सिस्टम हो जाएगा। ये सब आपको मैंने सर्विस मैन में डिस्कस किया है, ठीक। तो ये हो गया सब स्टेशन 11 KV 3-phase 3-wire सिस्टम, एंड आउटपुट इज 415 वोल्ट। देखो ये 415 वोल्ट भी हो सकता है, या 440 भी हो सकता है, या 400 भी हो सकता है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वह डिज़ाइन करवाएगा ट्रांसफार्मर को, और उतना वोल्टेज वो रीड करेगा या यूज करेगा, 415 वोल्ट 3-phase 4-wire सिस्टम। समझ में आई बात, तो वही हो गया। अधिक मान लीजिए बिग कंज्यूमर है, तो वह अपना एक सेपरेट सब स्टेशन बनाएगा, और उस सब स्टेशन का इनपुट क्या रहेगा, 11 KV और 3-phase 3-wire सिस्टम। जबकि आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट आपका क्या रहेगा, 415 या 400 या 440, ठीक है, 433 कुछ इस प्रकार से वोल्ट में, है ना। और फिर किस प्रकार का सिस्टम होगा, 3-phase 4-wire सिस्टम यूज़ किया हुआ रहेगा। यहाँ पे अगर चाहे तो लिख लीजिए एग्जांपल में, बिग कंज्यूमर कर लीजिए, या हॉस्पिटल कह लीजिए, या बिग हॉस्पिटल भी कर सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल जो है वह भी एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करके रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एम्स वगैरह में चले जाइएगा, या IGIMS है, है ना, PMCH है, या NMCH है, तो ये सब ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी अलग से इंस्टॉल करके बनाया गया होगा। आप जाइएगा, कभी विजिट कीजिएगा ये सब हॉस्पिटल में, तो जाकर देखिएगा वहाँ पे, खास करके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी भी आती है, जो सब स्टेशन होता है उसके सुपरविजन के लिए या उसका इंचार्ज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बिग होटल हो गया, या कॉलेज हो गया, शॉप हो गया, एटसेट्रा हो गया, लिख लीजिएगा यहाँ पे एग्जांपल, होटल्स या बिग होटल कर लीजिए, बिग हॉस्पिटल कर लीजिएगा, बिग शॉप कर लीजिएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद अब हम लोग एक देखते हैं डिफरेंस जो होता है कमर्शियल इंस्टॉलेशन और फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, हम लोग देखेंगे कंपैरिजन कमर्शियल इंस्टॉलेशन और रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन में, ठीक है, कि रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन और कमर्शियल इंस्टॉलेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे सर लिख नहीं पाते हैं, तो पहले आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, और फिर लिखने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है आपका रेसिडेंशियल और कमर्शियल इंस्टॉलेशन के बीच में डिफरेंस। तो पहला एक आप तो दो कॉलम बना लीजिएगा, है ना, दो कॉलम में पहला लिख लीजिएगा रेसिडेंशियल और दूसरा लिख लीजिएगा कमर्शियल, ठीक है, पहला लिख लीजिएगा रेसिडेंशियल और दूसरा कमर्शियल। देखिए आप जानते हैं रेसिडेंशियल में क्या होता है, लोड कैपेसिटी जो होता है क्या होता है, कम होता है, रेसिडेंशियल में लोड कैपेसिटी कम होता है, तो यही इसी का रिवर्स कर दीजिए आप, जब कमर्शियल इंस्टॉलेशन की बात करेंगे तो उसमें लोड कैपेसिटी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो देखिए लोड कैपेसिटी इज हाई, ठीक है, लोड कैपेसिटी इज हाई, तो कमर्शियल में लोड कैपेसिटी हाई हो जाएगा, और जबकि रेसिडेंशियल में लोड कैपेसिटी कम हो जाएगा। दूसरे में बात करते हैं सिंगल फेज सप्लाई इज सफिशियंट एज लोड इज लेस। देखो जो सिंगल फेज सप्लाई सफिशियंट होता है, अगर घर में आप देखते हो एक फेज एक न्यूट्रल आता है, वही तो सिंगल फेज है ना, एक फेज और एक न्यूट्रल आता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंगल फेज टू वायर सिस्टम बैलेंस कर सकता है पूरे घर में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो भी लोड रहेगा उस सिंगल फेज टू वायर सिस्टम उसको बैलेंस कर सकता है,
है ना, जब घर में यूज करेंगे तब बोल रहे हैं, समझिएगा। ऐसा नहीं कि हम सिस्टम पूरे बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ 3-phase 4-wire सिस्टम ही यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए, लेकिन घर में जो यूज़ करते हैं आप सफिशियंट है सिंगल फेज और 2-wire सिस्टम, ताकि घर को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल फेज सप्लाई घर के लिए सफिशियंट है, जितना भी लोड रहेगा उसको इनर्जाइज कर देगा। लेकिन अगर बात करें कि कमर्शियल में, तो चूंकि यहाँ पे लोड अधिक होता है तो अधिक लोड के लिए क्या होता है, 3-phase 4-wire सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो हो गया, सिंस अमाउंट ऑफ लोड इज अ वेरी हाई सो इट रिक्वायर 3-phase सप्लाई। चूंकि अधिक लोड होता है, लोड का डिमांड जो होता है कह सकते हैं, या लोड कंजम्पशन जो होता है अधिक होता है, इसलिए इसको जो है, इस लोड को फुलफिल या इस डिमांड को पूरा किया जाता है किसके द्वारा, 3-phase सिस्टम के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगल फेज 2-wire इज सफिशियंट टू बैलेंस द लोड। देखो अभी तुरंत बताए थे, सिंगल फेज मैंने एगो फेज एगो न्यूट्रल, 2-wire एगो फेज एगो न्यूट्रल, तो सिंगल फेज हो गया और 2-wire जितना भी लोड रहेगा घर में वो बैलेंस कर देगा, कोई परेशानी नहीं होगी उसमें, किसी तरह का कोई अनबैलेंस लोड नहीं होगा। लेकिन 3-phase, हाँ यहाँ पे भी देखो अनबैलेंस होगा, अगर अधिक लोड यूज़ करने लगोगे पूरा उतने में ही दिए जा रहे हो, तो फिर दिए जा रहे हो इन द सेंस अधिक लोड यूज़ करने लग रहे हो, तब थोड़ा सा अनबैलेंस आपको मिल सकता है देखने के लिए, ठीक। लेकिन जनरली सिंगल फेज सफिशियंट होता है। 3-phase 4-wire सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस ऑल द लोड। जब आप कमर्शियल बिल्डिंग की बात करेंगे तो कमर्शियल बिल्डिंग में 3-phase 4-wire सिस्टम यूज किया जाता है सारे लोड को बैलेंस करने के लिए। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए, सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज रिक्वायर्ड। घर में आप कौन सा एनर्जी मीटर यूज़ करते हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर यूज़ करते हैं, घर में सिंगल फेज एनर्जी मीटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 3-phase टाइप एनर्जी मीटर यूज़ किया जाएगा। कहाँ, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में सिंगल फेज एनर्जी मीटर यूज़ किया जाएगा। जबकि आप बात करेंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की या फिर कमर्शियल इंस्टॉलेशन में, तो वहाँ पे आपको क्या है, 3-phase टाइप एनर्जी मीटर यूज करना है। आगे देखते हैं, नो पर्सनल सबस्टेशन इज रिक्वायर्ड। घर में कोई अपना एक नया सबस्टेशन बनाएगा क्या, कभी किसी के घर में देखे होगे कोई ट्रांसफार्मर लगा के रखा है, हैं? नहीं ना। तो वही होता है कि जो कम रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल सबस्टेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, या पर्सनल सबस्टेशन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ बात करते हैं पर्सनल सबस्टेशन इज रिक्वायर्ड। जब हम बात करेंगे कमर्शियल इंस्टॉलेशन का या कमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, तो इन केस ऑफ अ कमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पर्सनल सबस्टेशन बनाया जाता है। पर्सनल सबस्टेशन कहने का ये मतलब हुआ कि पोल माउंटेड सबस्टेशन, अलग से एक ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करवाया जाता है दो पोल के ऊपर, है ना, उसको भी तो हम लोग सबस्टेशन ही बोलते हैं, जिसको कि पोल माउंटेड सबस्टेशन बोलते हो। तो अलग से कमर्शियल इंस्टॉलेशन में पोल माउंटेड सबस्टेशन इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, चूंकि हैवी लोड यूज किया जाता है या हैवी लोड कंजम्पशन किया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं अलग अलग कंज्यूमर के बारे में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ के बारे में जान लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए, एक होता है डोमेस्टिक कंज्यूमर। अब मान लीजिए जो घर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो घर में यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए होता है। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर किस के अंतर्गत कौन आएगा, रेसिडेंशियल हाउस, जिसमें कि सर्वाइव करने के लिए जो रेसिडेंस होता है, घर जो नॉर्मली घर रहता है, ठीक ना, दो रूम तीन रूम इस प्रकार का कोई रहता है, तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, डोमेस्टिक कंज्यूमर के अंतर्गत। अब देखिए कमर्शियल कंज्यूमर के अंतर्गत देखते हैं, कमर्शियल में कौन कौन आ जाएगा, हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल जो होगा वो भी आ सकता है, वो सब आप इसमें भी आ जाएगा, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर में भी आ सकता है, ठीक है। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो सब हमारा क्या आएगा, कमर्शियल कंज्यूमर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज बना के रखते हैं छोटे छोटे, उसकी बात करते हैं। अलग अलग प्रकार के इसको तीन भाग में बांटा गया है जनरली, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज। अब ये जो डिवाइड किया गया ना, ये डिपेंडिंग अपॉन द लोड, मतलब लोड कितना कंजम्पशन करेगा उस हिसाब से वो डिवाइड किया है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होगा अप टू 20 kW, ठीक है, 20 kW तक ये स्मॉल इंडस्ट्रीज रहेगा। उसके बाद मीडियम इंडस्ट्रीज जो रहेगा अप टू 100 kW, अगर 100 kW तक यूज़ करता है तो वह मीडियम इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आ जाएगा। अगर कोई लार्ज इंडस्ट्रीज है तो लार्ज इंडस्ट्रीज जो होगा अबव 100 kW आएगा, मतलब अगर 100 kW से अधिक
रहता है उसका कंजम्पशन, तो वो क्या होगा, लार्ज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट एक होता है म्यूनसिपल कंज्यूमर। म्यूनसिपल कंज्यूमर देखते होंगे, जैसे रोड पे लाइट लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइटिंग जिसको बोल रहे हो, या स्टेडियम में लाइटिंग है, तो सबका भी तो इलेक्ट्रिसिटी कोई ना कोई बिल पे करता होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पे करता होगा, समझ रहे बात को, तो वो हो गया। या स्टेडियम में हो गया, पार्क हो गया, इन सब का भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, म्यूनसिपल कंज्यूमर। रोड वगैरह पे जो लाइट लगा हुआ रहता है ये सब म्यूनसिपल कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट कह सकते हैं ये एग्रीकल्चरल कंज्यूमर। एग्रीकल्चरल कंज्यूमर कह सकते हैं आप खेती में, ठीक है, जो खेत के खेत में जैसे सिंचाई पर्पस के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करोगे, वहाँ जो इस्तेमाल करोगे, वो सारे आ जाएंगे किसमें, एग्रीकल्चर कंज्यूमर में। समझ में आएगा? तो ये था क्या, टाइप ऑफ कंज्यूमर। तो अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कमर्शियल इंस्टॉलेशन क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा वह एज इट इज रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिफिकेशन के जैसा होगा, है ना। उसके बाद रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिफिकेशन और कमर्शियल इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों में क्या अंतर है, ये सब आपको पता चल चुका होगा। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ अलग नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ कि कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं किस प्रकार से कमर्शियल इंस्टॉलेशन में, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बट जाने से पहले एक पैर आप स्ट्रीम एकेडमी के नाम ज़रूर लगाइए, है ना, और आप अपने दोस्तों को भी बताइए, वह भी एक पैर ज़रूर लगाएंगे स्ट्रीम एकेडमी के नाम, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।